और रास्ता बहुत अमेजिंग है, और रास्ते में अमेजिंग अमेजिंग थिंग्स दिख रहे हैं मुझे पहली पहली बार। तो ये देखो कितना प्यारा चीज़ इन्होंने यहाँ पे बना रखा है। आई थिंक ये बुद्धिस्ट मंदिर है, सॉरी आई थिंक ये बुद्धिस्ट मंदिर है। एंड यहाँ से पानी आ रहा है, और यहाँ पे ना इन्होंने उस पानी में कुछ वैसा मशीन मोटर टाइप का बना रखा है, और अंदर इनका जो मंत्र वाला एक वो होता है ना गुम्बा या कुछ बोलते हैं उसे, तो वो रोटेट कर रहा है। और ये एकदम मतलब इको फ्रेंडली है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रही है भाई। ये यार देखो ना आप, नीचे से पानी आ रहा है और वहाँ अंदर उन्होंने लकड़ी से कुछ मोटर टाइप का बना रखा है, तो ऊपर से जो पानी का फ्लो आ रहा है उससे वो घूम रहा है। ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है यार, वाह। तो भाई यहाँ से व्यू ना नेक्स्ट लेवल है यार। ये बड़े से पहाड़ में इन्होंने कुछ बुद्धिस्ट में लिखा है, और सामने का व्यू अमेजिंग यार। आई थिंक वो सामने जो गांव दिख रहे हैं वही है शायद जहाँ मुझे आज जाना है, नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ। और पीछे इधर से मैं आया था, तो भाई ये बहुत ही अमेजिंग जगह है यार। और एक चीज़ दिखाऊंगा कि वहाँ टॉप पे इन्होंने एक छोटा सा मंदिर टाइप का बना रखा है, वो भी मस्त लग रहा है। ऊपर गया तो मैं दिखाऊंगा, बट यार ये व्यू देखो ना अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल फीलिंग है। और आज का जो ट्रैक था ऑलमोस्ट मैंने पूरा कर लिया है, थोड़ा सा ही बच गया है, तो अभी आधा एक घंटा और चल के मैं पहुंच जाऊंगा, एंड देन बाकी कल स्टार्ट करूंगा। भाई जो अभी मेरी फीलिंग है ना वो नेक्स्ट लेवल की फीलिंग है, और दिल खुश हो गया यार जिसके लिए मैं आया था ना। देखो सामने आपको हिमालय दिखेंगे इतने नज़दीक, कैमरे में पता नहीं कैसा दिख रहा होगा लेकिन सामने सामने इतना प्यारा दिख रहा है ना। आई जस्ट बस यार हाय हाय कब मैं वहाँ पहुँचूँगा। और देखो दिखाता हूँ भाई साहब, बहुत नज़दीक है, दो चार पहाड़ अगर क्रॉस करोगे तो उसके बाद हिमालय के नीचे तुम पहुँच जाओगे। ये स्टार्टिंग के पहाड़ है और मुझे काफ़ी आगे जाना है, तो देखते हैं कैसा रहेगा मेरा आगे का सफ़र। आगे जो नज़ारे आने वाले ना, मैस्मराइजिंग व्यू आएंगे एकदम ही नेक्स्ट लेवल के। वही एक चीज़ मैंने और नोटिस करी थोड़ा सा आ गया है, तो देखो जो अभी पहाड़ दिख रहे हैं ना उसके पीछे बहुत ही बड़ा पहाड़ है जो कि हल्का सा दिख रहा है उसका पीक, और नीचे बादल से ढके हुए हैं। तो भाई ये बादल हट जाएंगे तो वो पहाड़ दिखेगा ना, वो बहुत ही अमेजिंग लगेगा यार। वो बहुत ही हाइट वाला पहाड़ है, आई थिंक आई डोंट नो शायद वही माउंट एवरेस्ट होगा शायद से, इतना कन्फर्म नहीं है लेकिन पता नहीं। सामने जो पत्थर दिख रहा है वाह नेक्स्ट लेवल, बड़े बड़े अक्षरों में इन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखा है, तो आई डोंट नो क्या लिखा है लेकिन ये बहुत ही अमेजिंग लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, नेक्स्ट लेवल। और यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं ना कैप्चर करने के लिए, समझ ही नहीं आ रहा क्या क्या कैप्चर करूँ। तो इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ जुनवेसी में, जहाँ तक का मेरा आज का ट्रैक था, और मैं इसे थोड़ा सा आगे जाके नदी के किनारे देखता हूँ कि कैंप करने की जगह होगी या नहीं होगी, उधर ही कहीं कैंप करूँगा। और ये है जुनवेसी जो कि थर्ड या फोर्थ पॉइंट पड़ता है, अगर आप शिवालय या फिर जीरी से अपना ट्रैक स्टार्ट करोगे तो आपको यहाँ आने में, अगर आप फास्ट चलते हो तो दो दिन, नहीं तो आपको तीन दिन, अगर उससे भी स्लो चढ़ते हो तो चार दिन लगेंगे यहाँ आने में। मेरे पास बैकपैक बहुत ज़्यादा है, बैकपैक नहीं होता तो शायद मैं यहाँ कल ही पहुँच जाता एक दिन में, लेकिन क्या करें सामान तो लेके जाना ही पड़ेगा। और बहुत ही प्यारा जगह है, देखने में बहुत ही ऐसा लग रहा है जैसे मैं स्विट्ज़रलैंड के वादियों में घूम रहा हूँ, बहुत ही प्यारी जगह है। सामने आपको दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा होगा, सामने वैली जैसा है और वहाँ पे घास से आई थिंक जुनवेसी लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में, और वो बहुत मस्त लग रहा है। कीवी की खेती होती है आई थिंक, तो इन्होंने कीवी लगा रखे हैं जो कि तरीके से लगे हुए हैं बेल में, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। जुनवेसी से थोड़े आगे जा रहे हैं हम कल के रास्ते में, जहाँ से हमें कल आगे जाना है, और आगे जाके कैंप की जगह ढूंढूंगा, कैंप करने की जगह, तो इस तरीके का है।
ये छोटा सा मार्केट है, यहाँ पे जरूरी चीजें मिलती है तो बढ़िया है। और ये यहाँ का टेंपल है, और ये कुछ इस तरीके का है, जो कि बहुत ही प्यारा गुंबा है। और यहाँ से हम जाएंगे आगे को, हमें बताया है उन्होंने, जिनसे मैंने पूछा था उन्होंने कहा नीचे जाके पुल क्रॉस करना है, एंड पुल क्रॉस करके ऊपर के साइड, तो हम जा रहे हैं ऊपर की साइड। इस पुल से अभी मैं गुजर रहा हूँ। फिलहाल मैंने कैंप अपना लगा लिया है आज का, और ये मेरा कैंप, और आज मैं रुकूंगा जून बेसी पे, और कल यहाँ से मैं निकलूंगा नितालू के लिए। शायद कल मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, और वहाँ जाके देखता हूँ यार, एक बैग अगर हो सके तो मैं कहीं पे छोड़ दूँ, क्योंकि बहुत हैवी बैग है। और ये जो वैली है, जून बेसी वैली, बहुत ही प्यारा प्यारी जगह है। सामने से आपको पूरा हिमालय का जो लुक है वो दिखेगा, आपको व्यू दिखेगा, और बहुत ही प्यारा। अभी मैं इस साइड हूँ तो इस साइड से नहीं दिखेगा, और कुछ इस तरीके का नीचे वैली है, और कुछ पहाड़ में घर है, कुछ वैली में घर है, नीचे रिवर भी है एक, तो बहुत ही प्यारी जगह है।